हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया था। आज इस वीडियो के अंदर इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो करने वाले हैं। देखो क्या बताया गया है क्वेश्चन के अंदर कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। मतलब कोई कुटीर उद्योग है, उसमें कुछ बर्तनों का निर्माण होता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। मतलब कि एक नग का जो निर्माण किया है उसकी लागत क्या है, उस दिन कितने जो बर्तनों का निर्माण हुआ है उसकी संख्या के दुगुने से 3 अधिक है, ठीक है ना। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी है, 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या व प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है। तो देखो क्या करना है अपने को, सबसे पहले माना बर्तनों की संख्या कितनी मान ली हमने, x मान ली, ठीक है। अब क्या बोल रहा है देखो कि उस दिन निर्माण लागत थी, मतलब बर्तनों की जो कीमत थी वो उस दिन जितने बर्तनों का निर्माण हुआ है बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। मतलब अब कीमत क्या हो जाएगी अपने पास, कीमत हो जाएगी मतलब बर्तनों की संख्या उसका दोगुना, मतलब क्या हो गया 2x और प्लस 3, मतलब इससे 3 अधिक है, ठीक है। आगे बात समझ में, अब देखो क्या बोल रहा है कि अपने पास कुल निर्माण लागत कितनी अपने पास 90 रुपये, ठीक है। अब एक चीज बताओ कि जैसे मान लो अपने पास बर्तनों की संख्या x है और एक की कीमत इतनी है, ठीक है ना। तो अपने को कुल बर्तनों की संख्या निकालनी होगी, तो क्या करेंगे हम, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। आ रही बात समझ, जैसे अपने पास कोई चीज़ 4 रुपये की है, ठीक है ना, और अपने पास कुछ बर्तन हैं उनकी संख्या मान लो कि 20 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इसका मूल्य आएगा पूरा, ठीक है ना। तो देखो अपने पास क्या है कि कुल मूल्य अपने को दे रखा है, बर्तनों की संख्या अपने पास x है और एक की कीमत कितनी है 2x प्लस 3 है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए, 90 के बराबर आना चाहिए। तो देखो x और ये क्या हो गया 2x प्लस 3, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x2, फिर x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3x, किसके बराबर होना चाहिए, 90 के बराबर होना चाहिए। अब देखो इस 90 को हम इधर ले आते हैं, 2x2 प्लस 3x ये बराबर के इधर आया, किसका हो गया माइनस का, 90 बराबर 0। अब देखो अपने पास एक द्विघात समीकरण आ गया, द्विघात समीकरण में क्या करते हैं, पहले पद को आखिरी पद से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आता है उसको देखते हैं कि बीच वाला जो है इसके टुकड़े करने हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है उसके बराबर आना चाहिए। देखो मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना हुआ, माइनस का 180x2 हो गया, ठीक है ना। अब क्या अपने पास बीच में 3x है, ठीक है ना। मतलब ऐसी संख्या अपने को ढूंढनी है, दो संख्याएं जिनको जोड़े या घटाएं तब तो क्या आना चाहिए, 3x आना चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना आना चाहिए, 180x2 आना चाहिए। तो देखो अपने पास दो संख्याएं क्या होंगी, 15x और 12x हो जाएगी, ठीक है ना। दोनों में से 15 में से 12 घटाते हैं तो कितना आता है, 3x आता है। दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, 12 5 60 और 12 1 12 12 और 6 कितने हो गए, 18, ठीक है ना। मतलब क्या हो जाएगी, दो संख्याएं 15 और 12 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे अपने पास क्या है, प्लस का 3x है, मतलब प्लस वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए और माइनस वाली छोटी होनी चाहिए। देखो क्या आ गया अपने पास, 2x2 प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। अब देखो पहले इन दो में से कॉमन ले लो, फिर इन दो में कॉमन ले लो, ठीक है ना। देखो क्या हो गया, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, खाली x कॉमन आ रहा है, तो x लिख लिया हमने, यहाँ पे क्या बचा 2x, फिर प्लस 15। आगे बात समझ में, अब क्या करेंगे हम, माइनस ले लेंगे यहाँ पे। देखो 12 में और 90 में किसका भाग जा रहा है, 6 का भाग जा रहा है क्या, देखो 6 2 12 और 15 6 90, तो यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे, क्या बचा यहाँ पे 2x और यहाँ पे क्या बच गया 15। अब देखो इस माइनस 6 को अंदर मल्टीप्लाई करके देखो कि अपना ये सही है क्या, देखो माइनस 6 को 2x से करेंगे तो माइनस का 12x, ठीक है ना। फिर माइनस 6 को माइनस 15 से करेंगे तो प्लस का 90 होता है, और यहाँ पे क्या अपने पास माइनस का 90 है, मतलब ये किसका आएगा, अपना प्लस का आएगा,
ठीक है ना। माइनस छह को प्लस 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 90 होगा। अब देखो अपने पास एक पद तो ये आ गया और एक पद ये हो गया, मतलब क्या हुआ 2x प्लस 15 और क्या हो गया एक अक्स माइनस 6, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर जीरो ले लेंगे, एक बार इसके बराबर जीरो ले लेंगे। पहले लेते हैं हम, देखो यदि 2x प्लस 15 बराबर जीरो, ठीक है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 15, ठीक है ना। ये प्लस का 15 है बराबर के उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अक्ष बराबर क्या हो गया माइनस का 15 बट्टा 2। अब देखो एक चीज अपने पास कि अक्ष का मान माइनस 15 बट्टा 2, मतलब बर्तनों की संख्या कितनी आ गई, माइनस में आ गई, तो ये चीज क्या हो जाएगी अमान्य हो जाएगी, मतलब हम इसको नहीं मानते क्योंकि बर्तनों की संख्या बर्तन बनाए हैं कम थोड़ी की है, ठीक है ना। तो ये माइनस का हो गया मतलब ये अमान्य है। अब दूसरा देखो अपने पास, यदि अक्ष माइनस 6 बराबर क्या है जीरो है, तो अक्ष बराबर क्या हो जाएगा 6। ये क्या हो जाएगा अपने पास बर्तनों की संख्या हो जाएगी, मतलब बर्तनों की संख्या कितनी हो गई अपने पास, अक्ष हो गई। बर्तनों की संख्या अक्ष मानी थी ना हमने, तो बर्तनों की संख्या अक्ष के बराबर मतलब कितनी होगी 6। अब देखो अपने को कीमत चाहिए, कीमत कितनी है, देखो एक बर्तन की कीमत कितनी आएगी, देखो 2 और अक्ष का मान कितना है यहाँ पे 6 प्लस 3, मतलब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 कितना आ जाएगा 15। आगे बात समझ में, मतलब बर्तनों की संख्या कितनी होगी 6 होगी और एक की कीमत कितनी हो जाएगी 15। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, 15 छिकी 90, मतलब कुल लागत कितनी थी अपने पास 90 रुपये, मतलब अपना आंसर क्या है सही है। इसके साथ ही ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 और ये एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हुई। आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम कुछ साइंस के वीडियो बनाने वाले हैं क्योंकि आपका अगला पेपर जो है वो साइंस का है, तो उसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, आप उनको अच्छे से तैयार करना। हमारी तरफ से यही उम्मीद रहेगी कि आपके वो क्वेश्चन 100% एग्जाम में आए और आप उनका आंसर है वो भी 100% करके आओ और आपका रिजल्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहे। धन्यवाद।